अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम नुमान। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज आयरा के स्कूल में है एक्टिविटी जंक फूड वर्सेस हेल्दी फूड। लेट्स सी आयरा की क्या पार्टिसिपेशन है।
आयरा की परफॉर्मेंस फिनिश हो गई थी, तो मैंने आयरा के इस बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स ली जो टीचर ने डेकोरेट किया था। बहुत अच्छा सेटअप किया था नो डाउट, और इसके अंदर टीचर ने सारे हेल्दी फूड्स उन्होंने प्लेस किए थे। और आप लोग को भी चाहिए कि घर में ये एक्टिविटीज़ अरेंज करें, जंक फूड वर्सेस हेल्दी फूड, ताकि बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट पता लगे और बच्चों को खाने की हैबिट हो। Loudly. Speak in mic. Are loudly mic mein. स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और टीचर्स की काफ़ी मेहनत थी। वन वीक से ही प्रिपरेशन चल रही थी। आयरा से भी टीचर ने ड्राई फ्रूट्स मंगवाए थे, आलमंड्स एंड वॉलनट्स, और आयरा को लाइंस लर्न करवाई थी पल्सेस की मैंने, और माशाल्लाह शी डिड वेरी वेल। और टीचर ने इनके लिए एक फ़ोटो फ्रेम यूज़ बनाया है, हेल्दी फोटो फ्रेम। नाउ आई एम टेकिंग हर पिक्चर। आयरा पहले बहुत शाई थी और आहिस्ता आहिस्ता इसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है माशाल्लाह से, एंड क्रेडिट गोज़ टू टीचर्स ऑल्सो। लिस्ट ऑफ जूनियर भी टीचर ने इस तरह पेस्ट किया हुआ था, इसमें आयरा का नेम उन्हें फाइंड किया है, और लुक एट हर नेम। जब स्कूल में कोई इवेंट होता है तो आयरा बहुत एक्साइटेड होती है, और अब मैं आयरा के साथ पिक्चर्स ले रही हूँ। शी वाज सो हैप्पी। एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद हमने पिक्चर्स भी ले ली थी। उसके बाद आयरा नाजल को बैक साइड पे स्विंग्स पे जाना था। जब भी कोई इवेंट होता है स्कूल में या पेरेंट्स जो मीटिंग होती है, आफ्टर मीटिंग और एक्टिविटीज़ आयरा नाजल जो हैं वो बैक साइड पर जाते हैं। वहाँ पर स्कूल ने बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है स्विंग्स का, तो मैं आयरा को लेके और आजल को लेके वहाँ स्विंग साइड पर जा रहे हैं हम लोग। स्कूल का प्रेमिसेस और बैक साइड बहुत खूबसूरत है, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। अब हम पहुँच गए हैं बैक साइड एरिया पे, स्विंग साइड्स पे। स्टडीज़ के साथ साथ बच्चों के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं, और इस चीज़ का स्कूल ने बहुत ख्याल रखा है। और स्विंग्स का सेटअप इन्होंने इस तरह किया है कि बच्चे अपना क्वालिटी टाइम जो है यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। एक पीरियड होता है इनका डेली, और टीचर्स इनको यहाँ पर स्विंग्स पर लेकर आती हैं और बच्चे यहाँ पर स्विंग्स करते हैं। और स्कूल की बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स को भी अलाउ किया है, मतलब आफ्टर द मीटिंग हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं, अलाउ है, और बच्चों के साथ हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनको स्विंग्स करवा सकते हैं, ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है स्कूल। ये आयरा नाजल का फेवरेट स्विंग है, दोनों जब भी स्कूल आते हैं साथ तो इसमें बैठते हैं और स्विंग लेते हैं। नुमान अब आजल को स्लाइड करवा रहे हैं। काफ़ी पेरेंट्स इस एरिया में आ गए थे बैक साइड पर बच्चों को लेके स्विंग्स करवाने के लिए, और अब काफ़ी रश हो गया था और आयरा को नहीं बैठना था स्लाइड पर। आजल के तो बहुत मज़े आ रहे थे, ही लाइक्स इट, ही वॉन्ट टू डू अगेन एंड अगेन। गो अप ऊपर जाओ, गो अप।
विंग्स खाने के बाद अब हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, हम जा रहे हैं नाश्ता करने। हम लोग पहुँच चुके हैं अपने ब्रेकफास्ट पॉइंट पर हलवा पूरी खाने के लिए। मोस्टली वीकेंड पे नुमान हमें यहाँ की हलवा पूरी खिलाते हैं। यहाँ की हलवा पूरी जो होती है वो बहुत फ्रेश होती है और बहुत टेस्टी होती है। इसका सालन बहुत मज़े का होता है। छोले और आलू के सालन की जो तरकारी होती है वो हर जगह की मुझे ज़्यादा मोस्टली पसंद नहीं आती है, लेकिन यहाँ का बहुत अच्छा होता है टेस्ट में सब कुछ। हमारी हलवा पूरी आ चुकी है, हम इसको इंजॉय करते हैं। आज़ल जो है वो अपनी चाय का वेट कर रहे हैं क्योंकि वो जो पूरी है वो चाय के साथ खाते हैं, उनको सालन बहुत स्पाइसी लगता है। और मैं अब स्टार्ट हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे तो लगी थी बहुत 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 भूख और हलवा पूरी थी भी बड़ी मज़ेदार, तो मैंने तो स्टार्ट कर दिया था खाना। उम्मीद है आप लोगों को आयरा के स्कूल का ब्लॉग पसंद आया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।